व्हाट्सएप गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग अपने यथा स्थान पे कुशल मंगल से होंगे। तो वेलकम टू अदिति ऑन व्हील्स। मैं चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, सब एकदम खुश हों। हम लोगों की लाइफ में इतनी भाग दौड़ है, नौकरी, घर, बच्चे, बाहर सोसाइटी, फंक्शंस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों का फ्यूचर, बच्चों का भविष्य, घर बार, सब कुछ। इतनी बिजी लाइफ है, तो उस बिजी लाइफ में हम लोग थोड़े से ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि वेयर इज़ अवर हैप्पीनेस, हमारी खुशी कहाँ है, खुशी हम कहाँ से लेके आए, और खुशियों का रहस्य है क्या। क्या खुशियों का रहस्य? कुछ नहीं है, खुश रहने का नाम है खुशियाँ। अपने आसपास देखिए, उसी में खुशी तराशिए। सबकी लाइफ एकदम ऐसे बैलेंस नहीं रहती है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, भाग दौड़ तो है ही, साथ में थोड़ा दुख सुख सब साथ में चलते हैं। तो उस दुख से उबर के जो हम लोग उभर के अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना के जो हम जीते हैं लाइफ को, वही हमें खुशियाँ देती हैं। मतलब इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुश तो रहना चाहते हैं पर खुश रह नहीं पाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता है कि खुशी कहाँ ढूंढें, कैसे हम खुश रह पाएंगे। वो किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस, किसी न किसी चीज़ का अपने माइंड पे दबाव लेके रहते हैं, तो फिर वो चाहकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। तो खुशियों का खजाना हमारे आसपास ही है, मतलब हमें यहीं से निकालना पड़ेगी खुशियाँ। तो खुश रहने के लिए बहुत से कारण हैं, उन कारणों को आपको ढूंढना पड़ेगा और खुशियों के साथ खुश रहना पड़ेगा। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी परिस्थितियाँ एकदम समतल रहती हों या सिर्फ एक लेवल में चलती हों जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ हों। परिस्थितियाँ सभी की अप एंड डाउन ऐसे करके वेव में रहती हैं, उसमें से हमें उसको बैलेंस करके खुश रहना है। तो खुश रहने का सिर्फ एक उपाय है कि अपने आप को हर तरह से मजबूत रखें और खुश रहें। मतलब हर व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, चाहता है कि मतलब ये भी अपनी ज़िंदगी में हम लोग अचीव कर लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें और हम खुश रहें, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाता है, उसका कारण क्या है। तो खुशी जो होती है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, जो आपके आसपास, जो आपके घर में, जो आपके बाहर, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही खुशी आपको दे सकती हैं, उसी में से आपको खुशी तराशनी है। आप जैसे जस्ट लाइक जैसे मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, बच्चे मुझे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे फूल देते हैं या मैम मैम आप कल क्यों नहीं आई थी, मैम ऐसा ऐसा करके मुझे बोलते हैं, वो मेरे लिए बहुत खुशी है। और सब टीचर जो मेरा स्टाफ है वो मुझे थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही मेरे लिए खुशी है। फिर मैं जब वापस आती हूँ घर पर और बच्चों के साथ मैं रहती हूँ, तो बच्चे मेरे पास आके बैठते हैं, मुझसे बात करते हैं, अपने शेयर करते हैं अपने स्कूल के व्यूज़, तो वो उसी में खुशी रहती है। तो यानी कि खुशी रहने का जो हमारा कारण है वो छोटी छोटी चीज़ों में है। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा सा हमारा घर होगा, बहुत महंगी महंगी कारें होंगी, हमारी लाइफ बहुत लग्जूरियस होगी तो हम ही खुश होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुश रहने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत हैं। पैसा आपको एक सुखमय, आपको एक आरामदायक जीवन दे सकता है, लेकिन खुशियाँ, आप बोलिए कि हम खुशी पैसे से खरीद सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। सो खुशी आपके अंदर भीतर है, आपके मन में है, उसको बाहर निकालिए। इन्जॉय योर लाइफ मीन्स खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसे हर व्यक्ति चाहता है कि वो हर समय हमारे पास रहे, एट एनी हाउ। खुशी आपके पास तब रहेगी जब आपका व्यवहार छोटों के प्रति, बड़ों के प्रति बहुत विनम्र और बहुत प्यार भरा होगा, तभी आप खुश रह पाएंगे। खुशी को आप गुस्से से, ज़बरदस्ती, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं पा सकते। तो खुश रहने के लिए
अपने आसपास के लोगों से बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो खुशी कोई बहुत बड़े इवेंट से नहीं आती है, खुशी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम विशेष बना करके भी उसमें हम खुशी पा सकते हैं या उससे हम खुशी पा सकते हैं। जैसे कि जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग अपने आसपास के लोगों को देखकर उनसे लगता है कि अरे यार उनके पास तो हमसे बहुत ज्यादा है, देखो ना उनकी हमसे बड़ी कार है, देखो ना उनका घर हमसे बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसी में कुड़ने लगते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब जो आपके पास, जो आपको ईश्वर ने दिया है वो बहुत है। जब भी आपको लगे कि अरे हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास बहुत कम है और लोगों के पास बहुत अच्छा है, तो उससे हम लोग कुड़ते हैं ना, ईर्ष्या होती है ना, तो ईर्ष्या बहुत ख़राब है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब हम लोगों को लगता है कि हमारा लेवल नहीं सही है और हम लोग दुखी हैं क्योंकि हमारे पास सब संसाधनों की कमी है, उसके पास तो बहुत कुछ है, देखो उसके पास बहुत कुछ है, उसके पास वो साड़ी है, उसके पास वो कपड़ा है, उसके पास वो घर है, उसके पास कितना प्यारा घर है, उसके पास कितनी महंगी कार है, ओ माय गॉड उसकी ज्वेलरी, उसका घड़ी, उसका सब कुछ। नो, जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है, खुशियाँ दूसरों को जलने से नहीं मिलेंगी। दूसरों के खुशी को देख के, दूसरे की तरक्की को देख के आप ऐसा नहीं है कि आप चिढ़ेंगे और फिर आप खुश रह पाएंगे। नहीं, जितना भी दिया है गॉड ने, जितना भी है आपके पास भरपूर है, उसी को एंजॉय कीजिए और उसमें खुश रहिए, वही आपकी खुशी का मेन सोर्स है। तो खुशियाँ आपके घर के अंदर हैं, आपके भीतर हैं, आपके बच्चों में हैं, आपकी फैमिली में हैं, आपके परिवार में हैं, आपके घूमने में, आपके फिरने में, आपके यहाँ जाने वहाँ जाने में, हर चीज़ का, लाइफ का छोटा छोटा सा पल, उसको हमें बहुत इंजॉय करना चाहिए। तो खुशियों की कोई सीमा नहीं है, खुशियाँ भी आपके अंदर हैं, भीतर से ही आएंगी, और दुख भी आपके भीतर से ही आएंगे। खुश रहने का कोई भी ऐसा नहीं है कि आप खुशी कहीं से, कहीं कोई पौधा है या कोई एक आर्टिकल है जो उसको उठा के आप घर में ले आएंगे, वो खुश घर में रख लेंगे तो वो हर समय खुश रहेंगे। नहीं, खुश रहने के लिए आपको मन से खुश रहना पड़ेगा, आपको अपने मन को बहुत प्योर करना पड़ेगा, बहुत किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल खुश रहना है, अपने जो आपके पास है, जितना आपको गॉड ने दिया है, हमें उसी में खुश रहना है। खुश रहने के लिए हमें किसी से, किसी को देखकर, किसी की चीज़ों को देखकर हमको निराश नहीं होना है, बल्कि खुश होना है। मेरा तो सब पता है, जानते हैं मेरे साथ क्या होता है कि जैसे कोई भी है, बहुत जैसे बहुत पड़ोस में है, कुछ भी कहीं पे भी है, और लोग बहुत खुश रहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे कभी किसी की खुशी से जलन नहीं होती है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड वाइफ या दो पेयर एकदम अच्छे से मिलते हुए हंसी मजाक करते हुए रहते हैं, वो सच में रियली मतलब मुझे बहुत खुशी होती है। मैं चाहती हूँ कि सब खुश रहे, और सबको देख के खुश रहना से ही आपके अंदर खुशी के जो भी होता है वो अंदर से अपने आप आएगा। तो खुशियाँ भीतर ही है यार, उसको इंजॉय कीजिए। जानते हैं मतलब जो मेरे साथ होता है कि मुझे जो एकदम मुस्कुराते, जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ शाम के समय, सुबह के समय, कहीं भी ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी, तो मुझे कुछ वाइब्स की है, मुझे है वाइब्स हो जाती है मुझे, तो कुछ चेहरे मुझे इतने अच्छे दिखते हैं जो हर समय स्माइलिंग करते रहते हैं। ओ गॉड, मुझे वो स्माइलिंग करते हुए चेहरे, जो विश करते हैं, जो आप उससे बात करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी देते हैं। और कुछ चेहरे होते हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, लेकिन बाहर से वो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ में आता है कि नहीं 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 कोई नहीं। लेकिन जो एक कुछ चेहरे होते हैं जो एकदम रियल होते हैं अंदर से भी बाहर से, और जब वो मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यानी कि हमें दूसरों की प्रशंसा करनी चाहिए, जो लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप बुरे लोगों की भी प्रशंसा कीजिए, लेकिन जो वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं उनकी हमें हमेशा प्रशंसा करते रहना चाहिए, घर में भी और बाहर भी। अच्छे लोगों की तारीफ करना बहुत अच्छा होता है, उससे आप खुश रहेंगे। यस, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड थिंग ये है कि हमें जो मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कभी किसी के पर मुसीबत नहीं हो या मुश्किलों से नहीं घिरा हो। तो जब भी कभी ऐसा हो तो आप खुद की मदद खुद करें, यानी कि अपनी हेल्प आप खुद कीजिए।
आप किसी दूसरे का सहारा मत लीजिए या किसी से दूसरे से हेल्प करने के लिए मत कीजिए जब तक आप कर सकते हैं, जब तक आपको लगता है कि यस यू कैन डू इट, तो करना चाहिए। अभी देखिए कल ही की बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कभी भी मतलब कल के कुछ दिन पहले की बात है कि मैं इनकम टैक्स का फॉर्म ITIN मुझे भरने में प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने ऑफिस में स्कूल में सर से इधर से उधर से करके भरवाती हूँ। फिर लेकिन मैंने फिर सोचा कि यार क्यों नहीं मैं खुद कर सकती, और मैं उसको लेके बैठी और मैंने जो पुराने पिछले साल से साल के फॉर्म्स रखे हुए हैं और मैं उनको भरने बैठी और रियली मैं भर पाई। मैंने उसको एकदम मुझे समझ में आएगा कि हाँ ऐसे करते हैं। और कितने ही सालों से मैं दूसरों की रिक्वेस्ट करती कि यार प्लीज़ मेरा फॉर्म भरवा दीजिए, प्लीज़ मेरा फॉर्म भरवा दीजिए। तो यानी कि अगर आप खुद की मदद खुद करेंगे तो वो भी आपको बहुत खुशी देता है। सच में कल मतलब मैंने गॉड को बहुत थैंक यू कहा, अरे वाह, मतलब कुछ भी कठिन नहीं था लेकिन बेमतलब में मैं उसको समझती नहीं थी, दूसरों से रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन बहुत इजी रहा, मैंने अच्छे से भर लिया तो उससे मैं बहुत खुशी हुई। तो ये भी कारण है कि अपनी हेल्प खुद कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो, इससे आपको गिल्टी भी फील नहीं होगी और आप खुद कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपको अपने काम के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने काम के प्रति मतलब क्या बोलेंगे बहुत पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। तो हमें अपना काम खुद करना चाहिए और अपनी हेल्प जहाँ तक संभव हो खुद से करना चाहिए, दूसरे की मदद को ना के बराबर लेना चाहिए। दिस इज राइट पॉइंट, थैंक यू। एंड सुबह हमें, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा ही कि सुबह का समय बहुत ही बहुमूल्य होता है, हमको सुबह जल्दी उठने की 101% कोशिश करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी से जल्दी उठें और जल्दी उठ के हम थोड़ा सा आप उठिए, अपने जो मॉर्निंग के वाले काम है पानी पीजिए, वॉशरूम जाना है जो करना है कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपको मानसिक संतुलन देता है, मानसिक संतुलन से मतलब है कि आपका जो माइंड है एकदम फ्रेश कर देता है, एकदम आपके माइंड में बहुत प्योरिटी भर देता है। मेडिटेशन करने से आप अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाते हैं, आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिकली रिमूव होती रहती हैं, वो आपको इतनी पॉजिटिविटी से भर देता है। तो जब पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी तो खुशियाँ अपार आपके पास रहेंगी। तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना चाहिए। और सेकंड थिंग, 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर कर सकते हैं आप स्टार्टिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये भी आपके लिए वर्क करेगा और खुशी का कारण बनेगा। एंड जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ अपने संबंधों को स्ट्रॉन्ग करें, मतलब फ्रेंड्स के साथ खुल के जिए, उनके साथ को एंजॉय करें, उनके साथ संबंध अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर वो कभी भी उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है हमेशा सबसे आगे रहें, मतलब फ्रेंड्स एक ऐसी फैमिली के बाद मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ही होते हैं जो हम लोगों के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो आपके सुख और दुख के साथी होते हैं। मतलब आपको अपने दोस्तों के साथ संबंध बहुत अच्छे रखने हैं और बहुत रियल रखने हैं। दोस्त ठीक है लिमिटेड भी हो चलेगा, लेकिन बहुत अच्छे होने चाहिए दोस्त जो आपको समझें, और आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके प्यार को समझना चाहिए और उनके साथ एक क्वालिटी टाइम व्यतीत करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। और मतलब आपको ऐसा दोस्त बन के रहना है कि जब उनको मुसीबत आए तो आप उनकी हेल्प कर सकें, जब कभी आप फंसें तो वो आपकी हेल्प करने के लिए एकदम आगे रहें। मतलब उनके बहुत अच्छे से पेश आना है, उनके संबंध को बहुत मजबूत बनाना है। तो दोस्त भी आपकी खुशी का कारण बन सकते हैं, तो दोस्तों को रखिए अपने आसपास ज़रूर और उनके साथ रखिए अपने व्यवहार को एकदम उत्तम। एक और है कि जैसे आपका जो काम है अपने काम के प्रति एकदम केंद्रित रहें, अपने काम को सर्वोपरि रखें, अपने काम को एक केंद्र बिंदु बनाएं, अपने काम पर लगन के साथ काम करें। मतलब फिर अगर आप अपने काम को ही अपने काम में माहिर रहेंगे और अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, उसको पूरी दिल से निष्ठा के साथ करेंगे, तो आपका वो जो काम है, काम करने का तरीका है, जो काम के अंदर घुसने का तरीका है, जो काम को एकदम अच्छे से करने का तरीका है, वो आपको खुशी देगा। यानी कि अपने काम से घबराएं नहीं, अपने काम को स्वयं करें, और अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए भी मेडिटेशन बहुत ही
लाजवाब है। मेडिटेशन भी एक मेडिसिन की तरह काम करता है, जो मेडिसिन नहीं होती है लेकिन आपकी बुद्धि को बहुत बहुत तरोताज़ा रखता है और आपकी जो खुशियां हैं उसको बढ़ाता है। आपको इतना पॉजिटिव रखेगा कि आपका ध्यान जो है आपके काम पे फोकस्ड रहेगा। तो जब आपके काम पे प्रति फोकस्ड रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे, अपने आप खुश रहेंगे। तो खुश रहने का ये भी एक कारण हो सकता है। तो ढूंढिए ना खुशियाँ, खुशियाँ हैं आपके आसपास। और कारण हो सकता है जिससे आप दुखी रहते हैं, उसको अपने दुख को खुशी में तब्दील करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी कमजोरियों को पहचानें कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी वीकनेस क्या है, उस पॉइंट पे आप काम करिए, उसके साथ एकदम सकारात्मक, उसके साथ पॉजिटिवली काम कीजिए। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो आपके अंदर की खुद की बुराई है उसको पहचानिए, और जब अपने अंदर की कमी को पहचान के उसको आप पॉलिश करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उसको निखारेंगे, उस कमी को अपने अंदर से रिमूव करेंगे, वो भी आपको बेहतर खुशी दे सकता है। तो अपनी अंदर की दूसरों की बुराई करने से बेहतर ये है कि हमें अपनी खुद के अंदर जो कमी है उसको रिमूव करें। और हर समय दूसरों की बुराई करते हैं ना, आपको खुशी कभी दे नहीं सकता है। छोड़िए, बाहर की बातें बाहर छोड़ दीजिए, खुश रहिए, दूसरों की बुराई कम से कम कीजिए और अपने अंदर की जो कमी है उसको इम्प्रूव कीजिए। तो ये भी आपकी खुशी का एक पॉजिटिव कारण बन सकता है। एक बार किसी ने मेरे से कहा था, नहीं किसी ने कहा नहीं था, मैंने शायद सुना है या देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का परिचय देता है, मतलब एक व्यक्ति है वो बता रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जिस भाव से बता रहा है, जिस तरीके से उस व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में वो जानता है उसको बता रहा है, तो वो एक्चुअल में वो अपने बारे में बताता होता है। वो किसी दूसरे व्यवहार को नहीं बता रहा होता है, वो सिर्फ अपने बारे में बता रहा होता है। तो हम कैसा बोलते हैं किसी और के बारे में, उससे हमारे व्यक्तित्व का खुद का पता लगता है। इसलिए दूसरों की बुराई से बचें और अपने अंदर की कमियों को रिमूव करें, ये भी आपकी खुशी का एक अच्छा सा कारण हो सकता है। अरे यार ये बताइए, दूसरों के जीवन से प्रभावित होकर हमें खुद को भी तो लक्ष्य बनाना चाहिए। तो अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम करें। और जब आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, जो कोई आपका एम है, उस एम के लिए आप काम करेंगे, तो आप उस काम के प्रति जब एकदम क्या बोलेंगे, एकदम क्या बोलते हैं, जब उस काम के प्रति वफादार रहेंगे, जब आप उस काम के प्रति लगन से काम करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी मिलेगी। जानते हैं जब एक बोलते हैं ना कि अगर आपने किसी चीज़ की इच्छा की है, आपने को आपको कोई चीज़ पाना है और आप सच्चे मन से उसके लिए लगन से काम मेहनत कर रहे जा रहे हैं, तो जानते हैं क्या करता है गॉड? गॉड ऐसे करके आपको ऊपर से खुद ही उठा के पुश कर देता है। मतलब कि यह है कि जब किस चीज़ को आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड आपको उसको देने के लिए प्रयासरत रहता है, उसको देने के लिए आपके प्रति पीछे से लगा रहता है। तो यानी कि अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाए, अच्छा लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और जब आपको सफलता मिलेगी और जब आप मेहनत कर रहे होंगे, जब आपको आपकी मंजिल आपको करीब आती हुई दिखेगी, जो आपका लक्ष्य है वो आपको लगता होगा कि बस आने वाला है या मिलने वाला है, तो वो भी आपको बहुत खुशी देगा और बाहर की जो भी चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे आप दूर रहेंगे। तो खुश रहने का ये भी कारण अच्छा है। खुश रहने के लिए एक और चीज़ भी हो सकती है, वो है आपका खान पान। आपका खान पान जितना लाइट रहेगा, जितना हल्का रहेगा, जितना मिर्च मसाला कम रहेगा, जितना ऑयल कम रहेगा, वो खाना भी आपको अंदर से एनर्जी देगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा, और उनसे भी आपको चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहेगा और आप खुश रहेंगे। तो आपके खान पान भी आपके व्यवहार को दर्शाता है। तो इसलिए शुद्ध खाएं, सादा खाएं, सिंपल भोजन करें, एकदम सादा, मिर्च मसाले कम करें, तो आपके खान पान में भी खुशी का रहस्य छिपा हुआ है। तो लाइट खाइए, लाइट रहिए और खुश रहिए। तो आज था आपका टॉपिक खुशी।
खुशी को हम कैसे गेन कर सकते हैं, खुश हम कैसे रह सकते हैं, आज हमने बात की है इस टॉपिक पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स टू। पेरेंट्स भी आपकी खुशी का कारण हो सकते हैं, सेवा करिए दिल से उनकी, वो भी आपको खुशी, वो भी पता है पेरेंट्स आपकी खुशी का खजाना है। जितना उनसे प्यार करेंगे, जितना उनकी इज्जत करेंगे, जितनी उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, खुशियाँ अपरम बहुत रहेंगी आपके लिए। खुशियों का भंडार है माता पिता। खुश रहिए, अच्छे लोगों से जुड़े रहिए, हल्का खाना खाइए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने आप को कभी निराश नहीं होने दीजिए। मुश्किलें तो आती जाती है, लाइफ इज अप एंड डाउन्स। खुश रहिए, आबाद रहिए। शबक है, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तब लाइफ जो है इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी, तो खुशियों के लिए लाइफ में क्या सिर्फ क्या बोलेंगे, जरूरतें पूरी करते रहने से हम लोग खुशी मिलेगी।